नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब का ना बोल रहा हूँ, लाइक जरूर प्रेस करने से क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो फ्री ड्यूटी सबको चलेगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको एक अनोखा टेक्निक सिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना, ध्यान से सुनना है, फिर आप इसको प्रैक्टिस करके करके करते करते जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तभी किसी को पेडिशन देना है। पहला रूल आपको इसे दिमाग में बैठाना है। आज बताऊंगा जुपिटर के बारे में, जुपिटर से आप कैसे दूसरों का पेडिशन कर सकते हैं, और पेडिशन सुनने के बाद लोग हैरान रह जाएंगे कि आपने इसे कैसे क्या, यू नो, कहने के जब आप सामने वालों को दो तीन पेडिशन सही दे देते हैं, लोग आपकी बातें मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब आपका पेडिशन सही लगता है, लोग क्या तुक्का का ज्योतिष का है। लेकिन आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आसानी से किसी प्रेडिक्शन भी कर सकते और लोगों के मन में अपनी इज्जत भी कमा सकते और लाइफ में ज्योतिष सीख भी सकते इससे बहुत। ठीक है, तो जुपिटर से बताऊंगा। अब देखिए, जुपिटर है जीप कार का। ठीक है, कुंडली में ज़्यादातर प्लैनेट खराब होने के बाद अगर जुपिटर सही जगह बैठ जाए, जुपिटर के सही पोजिशन पर है, तो कहीं कुंडली सुधर जाती है। ठीक है, अब जुपिटर गुरु ये दोनों ऐसे प्लैनेट सबसे शुभ प्लैनेट कुंडली में होता है। अब इससे आप कैसे जान पाएंगे, रूल नंबर वन, जुपिटर जहाँ पर बैठा है उसका 12th हाउस जुपिटर एज ऑफ 24 में एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, रूल नंबर टू, जब इसको आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए जुपिटर जहाँ पर बैठे हैं, जुपिटर रेट्रोगेट है, कंबस है, अच्छा है बुरा है कुंडली में, कैसा फल है, कैसा फल दे सकता है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको 12th हाउस को देखना है, उसका 12th हाउस कैसा है, अच्छा है बुरा है, कौन सा प्लैनेट बैठा है, इसके बाद देखिए कौन कौन सी दृष्टि आ रही है जुपिटर पर 12th हाउस पे। ठीक है, कहाँ से दृष्टि आ रही है, कहाँ से जा रहा है दृष्टि, कौन कौन प्लैनेट के साथ यहाँ पे युति बन रहा है वो देखिए। दूसरा, कुंडली में जब भी केंद्र और त्रिकोण आ जाएंगे, मतलब आपका जो इवन है बहुत ज़्यादा, आपका यू समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट होगा आपके लाइफ में, तो आप जब भी देखें केंद्र त्रिकोण आ रहा है, लग्नेश आ रहा है, तो आपको बहुत आसान, बहुत मतलब कठिनाई से सोच समझ कर फिर आपको जवाब देना है, फिर आपको पेडिशन करना है सोच समझ के। ठीक है, क्योंकि वो इवेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, आपको देखना है 6-8-12 का वहाँ पर संबंध है, अच्छा है बुरा, तभी जाके आप पेडिशन कर सकते हैं। कभी कभी 6-8-12 भी अच्छा फल देने में सक्षम हो जाते हैं, उसको भी आपको देख कर पेडिशन करना है। तो पेडिशन करने से पहले आँख बंद करके पेडिशन करना, सही समझ कर देख सोच समझ कर फिर जगह प्रेडिक्शन कीजिए। दूसरा, आपकी कुंड आपको जो जुपिटर के दोनों राशियां हैं, मतलब आपके यहाँ पर धनु राशि और मीन राशि, दोनों को देखना है ज़रूर, दोनों का इन्फ्लुएंस कहीं पर आ रहा है तो इवेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सपोज़ कीजिए जुपिटर यहाँ पर बैठा है। ठीक है, इस घर पर बैठा है जुपिटर, तो 12th हाउस होगा ए वाला हाउस। ठीक है, जुपिटर यहाँ पर बैठा है, 12th हाउस होगा उससे पहले वाला हाउस। यहाँ पर जुपिटर बैठा है, इसका 12th हाउस ए होगा, यहाँ पर बैठा है तो इसका 12th हाउस ए, यहाँ पर बैठा है तो इसका 12th हाउस लगने से, यहाँ पर बैठा है तो इसका 12th हाउस, यहाँ पर बैठा है तो ए वाला 12th हाउस, यहाँ पर बैठा है तो ए वाला 12th हाउस, ऐसे ऐसे आपको देखना है। ठीक है, बिना देखे सोच समझ के 12th हाउस को इसको मत कह देना। ठीक है, आपके सामने कुंडली देख के मैं उसको प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। वेट, देखिए आपके सामने कुंडली आ गया है। ठीक है, पहला देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली बन रहा है जो कि बहुत ही बेजा। मिथुन लगन में गुरु दोनों हाउसों के रूल का, 7th हाउस को, 10th हाउस को, ठीक है, कर्म के भाव को और आपके लाइफ पार्टनर का हाउस को, बिजनेस को, और गुरु यहाँ पर आपके स्कॉर्पियो राशि में बैठ गया है। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि में बैठ गया है और यहाँ पर गुरु है मून के साथ रेट्रोगेट होके, मतलब गुरु बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर से मून के साथ है, तो कहीं ना कहीं देखिए मून ऐसा एक प्लैनेट रहता है जो यू नो, अगर मून पानी की तरह होता है तो पानी को आप गंगा जल में मिसाए या शराब में मिसाए, उस फ्लो को बढ़ा देता है। ठीक है, उस चीज़ को बढ़ाने वाला काम आपका चंद्रमा करता है, तो कहीं ना कहीं इस फल को बढ़ाने का काम कहीं ना चंद्रमा ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जुपिटर रेट्रोगेट होके आपके 6th हाउस में बैठे हैं। अब 6th हाउस क्या है दोस्तों, आपका अब 6th हाउस से आप अपना जॉब देख सकते हैं, आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं 6th हाउस से, क्या आपका कोर्ट कैसे, लिटरेशन, ग्रीन, ये सब कुछ सब आप 6th हाउस से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जुपिटर का दोनों राशि, आप मिथुन राशि, मिथुन राशि से 12th हाउस पे आ गया ये गुरु के साथ, और आपके जुपिटर की 5वीं दृष्टि यहाँ पर आपके
अपने खुद की राशि में जाना, कर्म की राशि पे, ठीक है, मतलब आपके 10th हाउस पे, और वहाँ पर आपके खुद यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, शुक्र या उच्च के होकर बैठे हैं, और खुद गुरु के सारे अच्छे फल यहाँ पर खींच रहे हैं, ठीक है। और जुपिटर से 12वें हाउस पर जब जाएंगे तो यहाँ पर शिक्षा का भाव आता है 5th हाउस, वैसे में ज्ञान बुद्धि शिक्षा इंटेलिजेंट का भाव आता है, प्रेम रोमांस, तो इन सब का भाव आपका 5th हाउस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब 24 के एज में आ गया है इंसान, तो उस 24 के एज में आके इस इंसान ने, अब देखिए एक ज्ञान बुद्धि का है शुक्र, आप यहाँ पर शुक्र का भी इन्होंने सब देख सकते हैं, शुक्र के हाउस में है, तो शुक्र यहाँ पर आपके 12th हाउस में आ गया, मतलब आपके 10th हाउस में है, ठीक है, पहला चीज़। और यहाँ पर राहु है, राहु खुद लग्नेश पर दृष्टि डाल रहा है, सूर्य पर दृष्टि डाल, सूर्य जहाँ पर उसका है, केतु पर दृष्टि डाल रहा है, ठीक है, और 5th हाउस पर खुद मंगलदेव भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, चौथा दृष्टि। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इवेंट है। इसके साथ साथ दशम दृष्टि यहाँ पर आ रहा है आपके गुरु पर, यहाँ पर शनि का आ रहा है, शनि अपनी राशि में बैठे हैं, तो आपको 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो 5th हाउस में जब भी ये एक्टिव हुआ तो नेगेटिव जो है अपना एम कॉम ख़त्म किया 24वें साल में आके, ठीक है। उसके बाद इनको नौकरी लगी, ठीक है, तो 24वें साल में आके इनको पहली नौकरी लगी, जब 24 पे ख़त्म होने वाला था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जो रनिंग ईयर था, ठीक है, क्योंकि आपका जो 24 साल है तो आप 23 से 24 के बीच होगा, या 24 रनिंग जब चल रहा तब तब उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर फिर से दूसरी नौकरी पर गया और वहाँ पर प्रमोशन लिया। तो इस व्यक्ति का इस तरह का असर था, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ाई हुआ, नौकरी लगी, नौकरी को चेंज कर, अच्छा है को नौकरी लगी, तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ आप कह सकते हैं, जॉब में चेंज भी आया, तो सब कुछ सही था। तो इस 24 साल में इस व्यक्ति के लिए गुरु पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव पे फल दिया, क्योंकि लग्नेश भी पुनर्वासु का है, तो कहीं ना कहीं लग्नेश का संबंध भी ऐसा हो रहा है, इसी वजह से इतना ज़्यादा पॉजिटिव फल इनको मिला है। आपको भी ऐसा ही देख के फिर आपको प्रेडिक्शन करना है। ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी देखते रहना।